हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। स्क्रीन पर आपको एक प्रोग्राम दिखाई पड़ रहा होगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैंने बनाया है पहले हेडर फाइल, जो कि सी लैंग्वेज की हेडर फाइल होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया है, यहाँ पर इंट लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मेन लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक्स नाम का एरे बनाया है, उसकी साइज हमने रखी है 4, ठीक है। फिर इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल हमने बनाया है जो कि आई है, जो कि एरे टाइप का वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यहां पर ये हमने एरे बनाया, लेकिन यहां पर कोई एरे नहीं बनाया है। फिर यहां पे लूप लगाया है जिसमें इनिशियल स्टेज में आई की वैल्यू 0 है। फिर हमने कहा है आई इज लेस देन 5, यानी 4 तक चलेगा ये, और प्लस प्लस आई होगा। और फिर जनरली ये जो एड्रेस ऑफ सिंबल है जो आपको दिखाई पड़ रहा है एक्स के साथ, ये हम लिखते हैं स्कैनएफ में, जो कि हमने प्रिंटएफ में लिखा है, ठीक है। यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर हमने लिखा है। और फिर हमने एरे के एड्रेस को प्रिंट कराने की कोशिश की है, ठीक है। यहां पर रिटर्न 0 हटा देते हैं, अगर इंट लगाते तो हमें रिटर्न की जरूरत पड़ती, फिलहाल हमें रिटर्न की कोई जरूरत नहीं है। अब इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करवाते वक्त ही सेव कर लेते हैं, तो ये सेव हो गया प्रोग्राम हमारा, हमने इसको पहले ही सेव कर रखा है array.c के नाम से। अब हम इसको एक बार रन करवाते हैं, देखते क्या होता है। तो ये रन करवाया, जैसे ही रन करवाया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एरे का एड्रेस जो कि अलग अलग एड्रेस है, जैसे सपोज कीजिए ये x4 है, ठीक है। तो x4 में चूंकि एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है x0 से, यानी 0 से स्टार्ट होती है, कोई भी वेरिएबल कोई भी हो, तो यहां हमने x लिया है। तो एड्रेस ऑफ x0 क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है ये एड्रेस ऑफ x0 है। रैम में जो x0 को जगह मिलेगी उस जगह का ये एड्रेस बता रहा है, ठीक है। फिर यहां पे x1 का क्या एड्रेस है यहां पे देख सकते हैं, फिर x2 का क्या एड्रेस है यहां पे देख सकते हैं, फिर x3 का क्या एड्रेस है, सब अलग अलग है, देख लीजिए आप, ठीक है। फिर x4 का एड्रेस है, ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है एड्रेस ऑफ x, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं, अगर आप एरे का एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस तरीके से एरे का एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपके समझ में आई होगी कि एरे का एड्रेस अगर देखना है तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।